आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास चर्चा में, जिसमें हम रिपोर्टर से उनके विधानसभाओं का सच जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पर चुनावी माहौल कैसा है। देखिए, अगर देश में हम बात करें 5 राज्यों की, तो 5 राज्यों में चुनावी माहौल बना हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हो रही है। ऐसे हम यहाँ पर अपने रिपोर्टर से ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जिले में, उनके विधानसभाओं में चुनावी माहौल कैसा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के आज 2 जिलों में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहां की जनता ने आखिर क्या सोचा है, क्या मन बनाया है, क्या इन 5 सालों से जनता खुश है या फिर इस बार दूसरा विकल्प चुनने की तैयारी जनता ने कर ली है। तो लाल कुआं हरिद्वार का आज हम रुख करेंगे, यहां के रिपोर्टर्स हमें बताएंगे कि वहां की जनता ने क्या मन बनाया है, इन 5 सालों में कितना विकास हुआ है, योजनाओं का लाभ लोगों तक कितना पहुंचा है, इसके अलावा इस कोरोना काल में कितने लोगों को मदद मिली है और कितने लोग अब तक वैक्सीनेट हो चुके हैं, क्योंकि कोरोना एक गंभीर मुद्दा है इस बार चुनावों में। महंगाई अलग से मुद्दा है और महंगाई का मुद्दा सबसे ज़्यादा अहम उत्तराखंड में बताया जा रहा है, क्योंकि आम जनता इस महंगाई से अब निजात पाना चाहती है। 2 दिन पहले ही देश का आम बजट पेश हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता में निराशा देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, जब हम ग्राउंड जीरो पर निकले और जानने की कोशिश की कि आखिर इस बजट से आम जनता कितनी खुश है, तो सिर्फ जो रिएक्शन आए वो ये थे कि आम जनता के लिए इस बजट में कुछ नहीं था। सब्जियां महंगी हो गई हैं, फल महंगे हो गए हैं, जो रोज का सामान है वो महंगा हो गया है, खाद्य पदार्थ के जो दाम है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल पहले से महंगा हो गया है। हालांकि दिवाली के आसपास कुछ पैसे कम किए गए थे, लेकिन उससे अभी भी जनता को राहत नहीं मिली है। कुछ राज्य ऐसे जहां पर अब भी 100 के पार पेट्रोल या डीजल मिल रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज हम रिपोर्टर से जुड़ेंगे और जानेंगे कि उनके विधानसभाओं में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा बना हुआ है। उससे पहले कुछ तस्वीरें देखिए और तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ तस्वीरों को देखकर तो ये लगता है कि हाँ, देवभूमि की झलक यहाँ पर दिखाई देती है। लालकुआं की तस्वीरें आप देखेंगे, बहुत ही साफ सुथरा नजर आ रहा है, लेकिन कुछ इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां पर यह स्वच्छता नहीं दिखाई देती है, चाहे वो हरिद्वार हो चाहे वो लालकुआं हो। तो लालकुआं से मेरे सहयोगी धर्मेंद्र और हरिद्वार से ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम मेरे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का सबसे पहले बहुत स्वागत करूंगी मैं। सबसे पहले हरिद्वार का रुख करूंगी। अजीम, हरिद्वार में चुनावी माहौल कैसा है, क्योंकि आप लगातार जमीन पर उतरे हुए हैं, बहुत सारे 1-to-1 आप प्रत्याशियों के भी करके भेजते हैं, प्रत्याशी बहुत वादे कर रहे हैं, ये वादों पर क्या जनता विश्वास कर रही है? देखिए काजल, जिस तरीके से प्रत्याशी अपने प्रचार में लगे हुए हैं और जनता से वादा कर रहे हैं कि हम आपके लिए, हमें आप वोट दो और विधायक बनाओ, आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन देखने को काफी लंबे समय से यही मिल रहा है। हर बार जब भी चुनाव आते हैं तो प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं और लोगों से लुभाने वाले जो वादे करते हैं, लेकिन उन पर कुछ नहीं उतर पाते। इस बार भी यही देखने को मिल रहा है, लोग वादा कर रहे हैं, जो प्रत्याशी है लोगों से कह रहे हैं कि आप हमें वोट दो, हम आपके लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराएंगे, लेकिन वो देखने को उसके बाद फिर वो नजर आते हैं, अपने क्षेत्र में जाना भी पसंद नहीं करते। जी अजीम, वोट तो 2017 में भी दिया था ना, यही वादे किए थे कि हम विकास करेंगे, हरिद्वार की जो जनता है यहाँ को हम पूरी तरह से स्वच्छता देंगे, शिक्षा व्यवस्था देंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था देंगे, हरिद्वार को और ज्यादा क्लीन किया जाएगा, ताकि यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि पर्यटक क्षेत्र है, यहाँ पर भारी संख्या में हर दिन श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो ऐसे में वादे जब किए गए वो तो पूरे नहीं हो पाए हैं। एक बार फिर से सभी प्रत्याशी आ गए हैं और कह रहे हैं हमें वोट दे दीजिए, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, तो जब वोट जनता दे देती है तब ये क्यों चुप बैठ जाते हैं, तब ये क्यों मुंह छिपा लेते हैं? बिल्कुल कार्य, जिस तरह से हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि मेरा गाँव मेरा देश में जो हम मुद्दे उठाते हैं, हमने हरिद्वार जिले की 11 विधानसभाएं हैं, सभी के मुद्दे उठाए, विकास दिखाया, कितना विकास यहाँ पे करवाया गया है सड़कें नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं जो है बदहाल है बिल्कुल, और
कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है, तो वो विधायक जिनको जनता चुनकर भेजती है वो सिर्फ अपना विकास करते हैं, जनता का कोई विकास नहीं करना चाहते। और इस अजीम नाराजगी कैसी लोगों में दिखाई देती है, लोग सबसे ज्यादा किससे नाराज हैं, किन कामों से नाराज हैं कि ये काम उनको उम्मीद थी कि इन 5 साल में होंगे लेकिन वो नहीं हो पाए? देखिए, विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। विकास जिस तरीके से हमने क्षेत्र में देखा है, तो सड़कें बदहाल हैं, लोग पानी में गड्ढे में चलने के लिए मजबूर हैं, विकास नहीं करवा पाए जाए, शिक्षा व्यवस्था जो है बिल्कुल ठप पड़ी है, रोकी को शिक्षा नगरी कहा जाता है लेकिन शिक्षा का यहाँ पे अब भी अभाव देखने को मिलता है। पास ही की विधानसभा मंगलौर हो, झबरेड़ा हो, भगवानपुर हो, इनमें हमने लक्सर हो, खानपुर हो, हमने जाकर देखा कि शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, कोई भी किसी किस्म की शिक्षा व्यवस्था। खानपुर की बात करते हैं, कुंवर सिंह चैंपियन 2012 से यहाँ पर विधायक है खानपुर में, लेकिन शिक्षा व्यवस्था या विकास की बात करें तो बिल्कुल प्रभावित स्थिति में है। और लोग इसी बात को कह रहे हैं कि बार बार जब हम उनके पास गए तो यहाँ पर कोई भी विकास नहीं कर पा गया। देखिए अजीम, अगर खानपुर विधानसभा की मैं बात करूं तो ये बहुत ज्यादा हॉट सीट मानी जाती है, उसके बावजूद यहाँ के लोग नाराज हैं। आप जैसे कि बता रहे हैं कि 2012 से यहाँ पर एक ही विधायक बने हुए हैं लेकिन उसके बावजूद भी विकास नाम की कोई चीज नहीं हुई है, क्या वजह हो सकती है? क्या विधायक जी अपने क्षेत्रवासियों के पास पहुंचते हैं या सिर्फ दूर से ही कह देते हैं कि हाँ हम ठीक है काम करा देंगे? देखिए, जिस तरीके से 2012 में अस्तित्व में खानपुर विधानसभा आई और कुंवर पन्ना सिंह चैंपियन यहाँ के कांग्रेस के विधायक बने, 2015 में उन्होंने षड्यंत्र रचकर वहां विधायक कांग्रेस से टूट कर बीजेपी में शामिल हो गए, 2017 में जो है चैंपियन जो है बीजेपी से यहाँ पर विधायक बने, लेकिन विकास की तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, वो अक्सर विवादों में रहा, इसलिए विवादों का चैंपियन कहा जाने लगा। और इनको देखते हुए बीजेपी ने जो है उनका टिकट भी काट दिया, उनकी धर्मपत्नी पत्नी जो है रानी दिव्यानी उनको प्रत्याशी बना दिया उनके द्वारा इस बार। अजीम, अगर क्षेत्र में जा रहे हैं, अगर मैं सही हूँ तो आपसे अगर 1 या 2 साल पहले की मैं बात करूँ तो प्रणव सिंह चैंपियन को लेकर बहुत ज्यादा विरोध वहाँ के क्षेत्रवासियों ने किया था। बिल्कुल, प्रणव सिंह चैंपियन का नाता ही विवादों से रहा है और इस बार इसी देखते हुए बीजेपी ने उनका टिकट भी काट दिया गया, उनकी धर्मपत्नी को यहाँ पे टिकट दिया है और क्षेत्र में उनकी धर्मपत्नी उनको इतना समर्थन भी नहीं मिल पा रहा इस बार, चैंपियन साहब घर से नहीं निकल पा रहे इस बार बिल्कुल भी, और उनका वोट क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। खानपुर का जो दंगल है उसका इस वक्त जो है दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि बच्चा ने रविंद्र पन्नाला उनको चुनाव मैदान में उतारा है और यहाँ उमेश कुमार जो है जो पत्रकार है उन वो निर्दलीय काल सोच रहे हैं, उन्होंने आकर यहाँ पर जो है चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। ठीक है, तो बसपा से जो प्रत्याशी है उन पर क्या जनता विश्वास जता पा रही है, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो प्रत्याशी जो है वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, अपने विजन जो है वो क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल काजल, एक बड़ा मुद्दा उठ रहा है यहाँ पर क्षेत्र में खानपुर में कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को टिकट काट दिया गया, उनकी धर्मपत्नी को टिकट दिया गया है और सुभाष चौधरी, सुभाष चौधरी को कांग्रेस ने जो है अपना उम्मीदवार बनाया है लेकिन सुभाष चौधरी पर एक ये लगा कि वो बाहर के जो है उम्मीदवार है, वो यहाँ के लोकल रहने वाले नहीं है। उसी तरीके से उमेश कुमार वो भी कहीं बाहर के रहने वाले और यहाँ आकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, इसी वजह से जो बसपा प्रत्याशी है रविंदर चौधरी जो है वो यहाँ लोकल के रहने वाले और जनता के बीच में रहते हैं, जनता इस बार ये कह रही है कि हमें अपनी जीत का विधायक चाहिए और फिलहाल जो माहौल है वो बसपा के पक्ष में जो है माहौल। चलिए अजीम, आप मेरे साथ बने रहिए, लाल कुआं से मेरे सहयोगी धर्मेंद्र भी मेरे साथ बने हुए हैं। अजीम, मैं आपका रुख करूंगी, आप मेरे साथ बने रहिए, लाल कुआं से धर्मेंद्र बने हुए उनका भी मैं रुख कर लेती हूं। धर्मेंद्र, लाल कुआं में कैसा माहौल है, क्योंकि चुनावी फिजा जो है वो बहुत जोरों से इस वक्त इन 5 राज्यों में बह रही है, खासकर उत्तराखंड में तो अलग ही चुनावी माहौल देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि भाजपा से जो कद्दावर नेता थे और वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान पे उतरे हैं, उसी ओर कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस आधार पे संजय डालाकोटी जी को टिकट दिया गया था, बाद में उनका टिकट काट के उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत मैदान पे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चतुर्थ कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। धर्मेंद्र, हरीश रावत एक बहुत बड़ा चेहरा जी, जनता विश्वास जता रही है, उनके द्वारा जनसंपर्क लगातार किया जा रहा है लेकिन
उनके जो जो जिनका उन्होंने टिकट सीट जो काटा था संजय डालाकोटी जी का, वो भी निर्दलीय चुनाव मैदान पे है, तो कहीं ना कहीं वोट जो है हरीश रावत जी के कटते हुए दिख रहे हैं। और जो जनता कह रही है, जनता ये भी कह रही है हरीश रावत जी को कि पैराशूट प्रत्याशी है, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे पूर्व हरिद्वार और किच्छा से भी वो चुनाव हार चुके हैं। अच्छा। और चतुर्थ कोणीय मुकाबला यहाँ पर लालकुआ में देखा जा रहा है। बिल्कुल धर्मेंद्र, लाल कुआं की मुख्य समस्या क्या है, आम जनता क्या चाहती है? विकास मुद्दा है या महंगाई मुद्दा है या पलायन मुद्दा है या कुछ और समस्या है? देखिए, लाल कुआं में बहुत समस्याएं यहाँ पर देखने को आ रही है। हालांकि जो विधायक है नवीन चंद दुमका जी, उन्होंने डबल इंजन की सरकार में प्रयास जरूर किया, उन्होंने अभी लाल कुआं में 10 लोगों को मालिकाना हक के पट्टे जो दिलवाए हैं, और जो भारत स्वच्छता मिशन के अंतर्गत 1500 शौचालय भी उन्होंने यहाँ पे बनाए हैं, और एक स्वास्थ्य की सेवा, स्वास्थ्य सेवा यहाँ पर लालकुआ क्षेत्र में बदहाल थी, क्योंकि लालकुआ में 1,17,000 के करीब वोट हैं, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से नहीं चल पा रही। तो विधायक जी के द्वारा 200 बेड का जो है शिलान्यास किया गया है हल्दूचौड़ में, और जिसमें भी वहाँ पर काम चल रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों की यदि हम बात करें, वहाँ पर कुछ जगह सड़कों का जाल भी जो है विधायक जी के द्वारा यहाँ पर बिछाया गया है, यानी काम किया गया है 5 सालों में, थोड़ा बहुत काम तो किया गया है, किया गया है मैम। तो जनता समझ रही है उस काम को, तो जनता ने मन बना लिया है कि अब विकास जो है वो शुरू हो गया है, अगर 5 साल हम इसी विधायक को चुनते हैं तो फिर विकास की गति तेज हो सकती है, ऐसा कुछ जनता के मन में? मैम लालकुआ से तो उनका टिकट नहीं हुआ कंफर्म, उसके उनके जो है डॉक्टर मोहन बिष्ट को जो है टिकट दिया गया है, जो एमएलए थे सिटिंग एमएलए उनका टिकट काट दिया गया है इसके बाद। अच्छा जी, तो फिर आम जनता क्या इससे नाराज है? मैम जनता नाराज तो नहीं है, लेकिन लालकुआ की बात करूं, यहाँ से सटा हुआ एक बिंदुखत्ता क्षेत्र है, एक मुद्दा हमारा बहुत सुर्खियों में रहा था बिंदुखत्ता राजस्व गांव का, उसमें कोई कार्य यहाँ पर नहीं किया। जब इससे पूर्व जो एमएलए थे दुर्गापाल जी, तो उन्होंने बिंदुखत्ता को नगर पालिका का दर्जा दिया था। अच्छा। तो विधायक जी जो अभी है हमारे नवीन चंद दुमका जी, उनके द्वारा ये जनता को वादा किया गया था कि हम नगर पालिका को हटाओ, हम हमारी सरकार आते ही राजस्व गांव बनाएंगे, लेकिन मैम उसमें कुछ काम नहीं हुआ, तो जनता काफी नाराज भी देखी जा सकती है, क्योंकि मुद्दा लगातार सुर्खियों में रहा है, क्योंकि बिंदुखत्ता के बोर्ड जो है एक अहम रोल लालकुआ विधानसभा में रखते हैं। तो इस बार हम देख रहे हैं धर्मेंद्र, अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो बड़ी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, इनसे जनता बेहद नाराज नजर आती है और जनता इनको कहीं ना कहीं दरकिनार कर रही है। जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन पर कहीं ना कहीं जनता विश्वास जता रही है, और इसके अलावा अगर जो मुख्य पार्टी के रूप में उभर रही है आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में, उस पर क्या जनता विश्वास जता रही है, उसका क्या अहम रोल लालकुआ में दिखाई देता है? मैम कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उतना असर देखने को तो यहाँ पर नहीं मिल रहा, हालांकि उनके अधिकारी जो है घर घर जनसंपर्क अभियान और नुक्कड़ सफाई कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को अभी उभरने में समय लगेगा। हालांकि केजरीवाल जी जब भी आ रहे हैं अपने बड़े बड़े वादों से जनता को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैम जरा सा इस विषय में कह नहीं पाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी नई पार्टी है। कर्नल अजय सिंह कोठियाल तो नए नहीं है, और जब हम जमीन पर उतरते हैं तो देखते हैं एक बहुत बड़ा युवा ब्रिगेड जो है वो उनके साथ है। जी मैम, उत्तराखंड में लगातार हम पहले का इतिहास भी उठा के देखो तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में जो है जंग देखने को मिलती है, लेकिन इस बार लालकुआ में जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि चतुर्थ कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ भाजपा से जो बागी हुए पवन चौहान जी, वो निर्दलीय ताल उन्होंने ठोकी है, और कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत के लिए जो जो संजय डालाकोटी मैम का टिकट काट के मैदान पर उतरे हैं, उन्होंने भी निर्दलीय ताल ठोकी है। हालांकि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा उनको मनाने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन लड़कियों लड़ सकती के आधार पे उनका जो समर्थक थे वो बिल्कुल नहीं माने, और उन्होंने भी निर्दलीय ताल ठोकी है, इसलिए मैम एक अनुमान लगाना एक असंभव सा है लालकुआ विधानसभा में। ठीक है धर्मेंद्र, जैसे कि आपने कहा कि संजय डालाकोटी को पहले टिकट दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर उनका टिकट जो है वो काट दिया गया, उसके बाद हरीश रावत को वो टिकट दिया गया है, तो इससे कहीं ना कहीं अंदर खाने कांग्रेस में कोई कला हो सकती है या दिखाई देती है? मैम बिल्कुल मैम,
कांग्रेस पार्टी से दिक्कत में आ सकती है, क्योंकि संजय दालाकोटी मैम 2002 से लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ता रही, पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रही और लगातार सामाजिक कार्यों और धार्मिक कार्यों सभी में आगे देखी जाती हैं। उनके कई समर्थक हैं जिन्होंने, हालांकि ये देखा जा रहा था कि कांग्रेस के कई जो दिल्ली से तक यहाँ पर उनको मनाने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने उनकी बात साफ मना कर दिया कि मैं ना वापस नहीं लूंगी नामांकन, और उन्होंने निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का जो है निर्णय लिया। और इसका असर लाल कुआं में दिखाई दे सकता है। धर्मेंद्र, चलिए आपके साथ बने रहिए। अजीम, आपका मैं रुक करूंगी। हरिद्वार, क्योंकि नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर ऐसा धाम है जहाँ पर लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं, बड़े बड़े आयोजन यहाँ पर होते हैं, कुंभ यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर साधु संतों के मन में क्या है? देखिए, जिस तरीके से हरिद्वार में अभी महाकुंभ हुआ था, कुंभ में घोटाला हुआ, टेस्टिंग घोटाला कोरोना का हुआ, उससे एक साधुओं में भी रोष है कि ये सरकार जो जो डबल इंजन की सरकार है उत्तराखंड में, और अपने आप को काट कट और साफ कहती है, कुंभ घोटाला कैसे, कुंभ में टेस्टिंग घोटाला किस तरह से हुआ, इसे लेकर साधु का भी मन भी कचला जा रहा है। साधु संत जो है साफ तौर से उनका मानना है कि इस सरकार को हटानी चाहिए। यानी ये कहा जा सकता है कि संतों में नाराजगी है, संत भी कहीं ना कहीं दो धड़ों में बट गए हैं। एक जो है वो सरकार को कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ संत ऐसे हैं जो सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनमें नाराजगी है। जी बिल्कुल, कह जिस तरीके से कांग्रेस ने सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट देकर साधु संतों में एक उनके बीच का व्यक्ति जो है वो मैदान में उतारा है, उससे काफी हद तक ये है कि साधु संत की नाराजगी जो है वो बीजेपी से और ज्यादा बढ़ गई है, कांग्रेस के प्रति उनका जो है समर्थन देखने को मिल रहा है। देखिए अजीम, अगर हरिद्वार की मैं बात करूँ तो मैदानी इलाका है ये, और उम्मीद यहाँ पर होती है कि विकास यहाँ पर तेजी के साथ हो रहा है, क्या वैसी कोई तस्वीर दिखाई देती है, कुछ नया इन 5 सालों में हरिद्वार में कुछ बड़ा हुआ हो जिससे जनता बहुत खुश हो? देखिए, इस तरह का कोई बड़ा कार्य यहाँ पर नहीं हुआ है। हरिद्वार की बात करें, हरिद्वार जो है, हरिद्वार 2002 की बात करें, जब उत्तराखंड बना और यहाँ पर बीएसपी का काफी जनाधार था, बीएसपी के हरिद्वार से जो है 7 विधायक हुआ करते थे, उत्तराखंड में 9 विधायक थे लेकिन हरिद्वार में 7 विधायक थे। उसके बाद 2007 का जो चुनाव हुआ उसमें 7 विधायक रह गए, उसके बाद 2012 में जब चुनाव हुआ तो 3 विधायक बीएसपी के रह गए, 2017 में जो है बीएसपी का अस्तित्व जो है बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन इस बार जो हरिद्वार में देखने को मिल रहा है, बीएसपी जो है बस बना रही है, बीएसपी की 3 से 4 सीटें आने की उम्मीद है। अब कम हरिद्वार में क्यों बीएसपी ने अपना रोल बढ़ाया है और बीजेपी जो है डाउन गई है हरिद्वार में, तो इस बार भी क्या ऐसी तस्वीर दिखाई दे सकती है अजीम, क्योंकि आप तो फील्ड पर बने रहते हैं और अब तो कहीं ना कहीं तस्वीर साफ हो रही है, समय कम है। बिल्कुल काजल, जिस तरीके से 2012 में चुनाव हुआ था और बीएसपी तीन विधायक की भूमिका बीएसपी ने निभाई थी, 3 विधायक बीएसपी के थे और 4 निर्दलीय थे, इन्होंने संगठन 7 विधायकों ने संगठन बढ़ा पीडीएफ का और कांग्रेस को समर्थन दिया। इस बार भी 2020 में वही देखने को मिलेगा, लग रहा है कि इस बार भी 3 विधायक की भूमिका बीएसपी निभाएगी। बिल्कुल, यानी ये कहा जा सकता है कि बीएसपी की अच्छी पकड़ जो है वो हरिद्वार में देखने के लिए मिलती है, ये हम समझे। बिल्कुल, जिस तरीके भगवानपुर में मैच टू मैच फाइट देखने को मिल रही है बीएसपी और कांग्रेस की, भाजपा का वहां पे जनाधार खत्म हो चुका है। खानपुर की बात करें तो खानपुर में भी बीएसपी मजबूत है, बहुत ज्यादा मजबूत है। लखतर की बात करें तो लखतर में भी बीएसपी बहुत ज्यादा मजबूत है। जलालपुर की बात करें तो जलालपुर में बीएसपी बहुत ज्यादा मजबूत है। वही गजेरा की बात करें तो गजेरा में भी बीएसपी बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बीएसपी तीन लोगों की भूमिका निभाने जा रही है। बिल्कुल, इसके अलावा देखिए अजीम, ये सबको पता है और जग जाहिर है कि इन 5 सालों में उत्तराखंड को 3 मुख्यमंत्रियों के चेहरे देखने पड़े हैं, और अब धामी जी ने सत्ता संभाली हुई है और वो डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, क्या धामी पर विश्वास जनता जता पा रही है? बिल्कुल, यही देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री बदले हैं, ये बड़ा मुद्दा है
कि बीजेपी जो है मुख्यमंत्री बनने को नहीं और जनता का पैसे जो है उसकी बंदरबांट हुई, क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री बदला जाता है तो वो उनके सरकार के लिए उनके बोर्ड बनाए जाते हैं, उनको शुभकामनाएं दी जाती है, दुनिया भर का खर्चा किया जाता है, तीन तीन नए मुख्यमंत्री पांच साल में बदल देंगे और विकास की तरफ से ध्यान दिया गया। ये भी एक मुद्दा जनता के बीच आ रहा है कि इस बार कांग्रेस को जो है सत्ता जो देखते हैं एक सत्ता कांग्रेस क्या करती है, क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास है एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, यही इन 20 सालों में देखने को मिला है। ठीक है धर्मेंद्र, अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर केंद्र की योजनाएं हैं लाल कुआं वासियों को मिल रही है और जो प्रोजेक्ट हैं, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री के, उससे जनता खुश है? बिल्कुल देखा जा सकता है कि सेवाएं तो पहुंची है लेकिन जो सुदूरवर्ती एरिया थे वहां पर कोई इसका लाभ नहीं मिला है। हमने सीधे जनता से, क्योंकि देखिए धर्मेंद्र मैं सिर्फ शहरी इलाकों का नहीं पूछ रही हूं, शहरी इलाकों में तो इक्का दुक्का विकास दिखाई देते हैं लेकिन ग्रामीणों तक जो आम जनता है, जो वाकई जिनको विकास चाहिए, जिनको तमाम सुविधाएं चाहिए, उनकी मैं यहाँ बात कर रही हूँ, उन तक वो विकास, वो सुविधाएं, वो योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में वो फिर से कहीं ना कहीं बिछड़ जाते हैं, उनको साथ लाना बेहद जरूरी है। जी तो मैम, जो सुदूरवर्ती गांव वहां तो वास्तव में सेवाएं नहीं पहुंच पा रही है। ये जो डबल इंजन की सरकार थी, जनता को बहुत उम्मीदें थी लेकिन उस तरह का कार्य मैम हुआ नहीं है, तो कहीं ना कहीं जनता परेशान भी है। धर्मेंद्र, अगर दो दिन पहले की मैं बात करूं तो देश का आम बजट आया है, जनता को बहुत उम्मीदें थी। देखिए शहरी इलाकों में तो लोगों को पता होता है कि बजट आने वाला है, क्या क्या उनके लिए होगा, क्या क्या नहीं होगा, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि बजट में उनके लिए क्या है और उनके लिए क्या सही है। तो क्या वहां पर लोग जागरूक हैं बजट को लेकर, और शहरी इलाकों में क्या आप गए हैं, लोगों से जानने की कोशिश की कि बजट से वो कितना खुश है, क्योंकि इसका सीधा असर हमें चुनावों में दिखाई देगा? जनता तो मैम परेशान है क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई जो लगातार, आज हम खाद्य पदार्थों की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें या और भी अन्य जो सामान है, जो घरेलू सामान है, उनका दाम लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जनता तो मैम काफी नाराज है डबल इंजन की सरकार से, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती हुई जा रही है। बिल्कुल धर्मेंद्र, इसके अलावा देखिए पलायन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अलग अलग विधानसभाओं से जब हम जुड़ते हैं उत्तराखंड में तो जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पर क्या पलायन रुका है। लाल कुआं की मैं बात करूं तो क्या यहां पर पलायन की कोई तस्वीर अभी हाल फिलहाल में दिखाई दी है? हम पलायन की तस्वीर तो नहीं कहेंगे लेकिन जो हमारे पहाड़ी एरिया है वहां से जो है पलायन करते हुए लोग यहाँ पर हल्द्वानी और लाल कुआं, और जो ये लाल कुआं से सटा हुआ गाँव बिंदु खत्ता है वहां पर कई लोग वहां पर बसे हुए हैं। मैम पलायन के लिए सरकार ऐसा कोई खास कदम उठाते नहीं है, और पलायन के लिए जो मैं बात करूं वहां पर रोजगार की व्यवस्था नहीं है, तो जनता परेशान है और पलायन करने में मजबूर है मैम। धर्मेंद्र, इसके अलावा देखिए खेल स्पर्धा को बढ़ाने के लिए बहुत दावे और वादे किए जा रहे हैं। उत्तराखंड से बड़े बड़े धुरंधर निकलते हैं लेकिन एक खास जो लक्ष्य है वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि उनके लिए मंजिल तय नहीं हो पाती है। मंजिल तय करने के लिए उन्हें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा लेकिन वो स्टेप उन्हें नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में उसको लेकर जनता की मांग लगातार बनी रहती है। लाल कुआं में भी क्या ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ताकि वहां पर जो खिलाड़ी हैं वो पहुंचे, प्रैक्टिस कर सके, आगे प्रदेश का नाम रोशन कर सके? ऐसा मैम कोई यहाँ पे स्टेडियम नहीं है, हालांकि एक घोषणा डबल इंजन की सरकार में हुई थी, क्योंकि मोहननाथ गोस्वामी स्टेडियम बनाने की यहाँ पर बात हुई थी, जो परमवीर चक्र सम्मानित हैं उनके नाम पर एक स्टेडियम बनाने की बात हुई थी, वो धरातल में सर मैम हो नहीं पाया, कुछ भी जीरो है काम। और यहाँ पर हम हल्द्वानी की बात करें, गोलापार स्टेडियम बना है, वहां पर भी अभी तक कोई खेल आयोजन नहीं कराया जा सका। ठीक है धर्मेंद्र, बड़े स्तर पर काम जीरो है, यानी ये कहा जा सकता है कि इस बार कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। कंपटीशन बहुत आपस में ही पार्टियों में बहुत ज्यादा है, किसी एक पर जनता विश्वास नहीं जता पा रही है। अजीम हरिद्वार की मैं बात करूं तो यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि खेल स्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं और बढ़ावा देते हैं, क्या इसका असर हरिद्वार में दिखाई देता है? कोई योजना, ऐसा कोई यहाँ पर घोषणा की गई हो कि हम खेल स्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर कोई बड़ा सा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि कुछ तस्वीरें जो हमारे सामने आती हैं उसमें तो घास उगी हुई है। बिल्कुल काजल, जिस तरीके से घोषणाएं
चुनाव आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ताबड़तोड़ घोषणा की गई है, कहीं स्टेडियम बनाने की, कहीं बस स्टैंड बनाने की, वो सिर्फ मात्र घोषणा ही घोषणा रह गई है, क्योंकि उनके ऊपर धरातल पर कोई काम नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा झगड़ा में अभी बड़ा किया गया था पहले जनवरी को, और उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, लेकिन घोषणाएं जो है सिर्फ घोषणाएं हैं, चुनरीबाजी और घोषणाएं ही रह गई है, इसके अलावा धरातल पर कुछ नहीं है। धरातल की बात करें तो धरातल पर विकास बिल्कुल ठप है, और ये पुष्कर सिंह धामी जो है इनको मात्र 5-6 महीनों का कार्यकाल इनका हुआ, और उन्होंने सिर्फ घोषणाएं की है, धरातल पर नहीं निकाल पाए। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ ये भी जानने की मैं कोशिश करूंगी, बीजेपी ये कहती है कि हमने युवाओं को बहुत रोजगार दिया है, हम रोजगार के सिलसिले में आगे कदम लगातार बढ़ा रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी जब प्रदेश में दाखिल होती है तो बड़े लुभावने वादे करती है, चाहे वो फ्री बिजली के हों या फिर बेरोजगारी भत्ते के हों। देखिए, बेरोजगारी भत्ता की बात होती है, आम आदमी पार्टी भी रोजगार की बात नहीं कर रही कि हम रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, या कि वो बेरोजगार ही रखना चाहती है यहाँ के युवाओं को, उनको लेकर युवाओं के प्रति देखिए किस तरह की जो मंशा है वो दिखाई देती है, तो ऐसे में युवा क्या चाहते हैं, बेरोजगारी भत्ता या रोजगार? देखिए, आपको मैं बताऊं कि युवा जो है रोजगार चाहते हैं, रोजगारी भत्ते से कुछ नहीं होता, बेरोजगारी भत्ता देने से कुछ नहीं होगा, उनको रोजगार चाहिए। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी जो है उनको दिल्ली जैसा समझ रही है, और वो इससे बिल्कुल एक तरफ पर है। दिल्ली में और उत्तराखंड में बहुत फर्क है काजोल, आपको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जिस तरह जैसे कहा था, और बीजेपी जो नेता भी कहते हैं कि दिल्ली में सुबह एक कोने से जाकर शाम तक पूरे दिल्ली में का भ्रमण किया जा सकता है, वही अगर उत्तराखंड की बात करें तो एक दिन में एक जिला भी नहीं घुमा जा सकता। बिल्कुल सही बात है, उत्तराखंड की राजनीति में और दिल्ली की राजनीति में बहुत फर्क है, इसलिए आम आदमी पार्टी का अभी स्थिति यहाँ पर नहीं है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस जो है दो ही पार्टियां हैं, हालांकि हरिद्वार में जीएसटी जो है अपनी अपना वजूद दोबारा बनाने में लगी हुई है, और इसमें कुछ भी रहा था कि जीएसटी को जो है अजीम शायद यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें हमें दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि किस तरह का माहौल वहां पर देखने के लिए मिल रहा है, आम जनता क्या चाहती है, युवा क्या चाहते हैं, और कौन सी पार्टी दमखम दिखा रही है, और किन के बीच कांटे की टक्कर है। तो इनसे ये पता चलता है कि बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने के लिए मिलती है, वहीं अगर आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो वो कोशिश कर रही है, लेकिन टक्कर कहीं भी उसके बीच दिखाई नहीं देती है। कल फिर लौटेंगे अलग अलग विधानसभा के साथ, फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।